नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर टेल मी में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी की। ये शब्द जो है इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी क्या है, ये ऑपरेशन कब होता है और इसे इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी क्यों कहते हैं, इसे अपन क्यों करना चाहिए, यानी ये ऑपरेशन क्यों करना चाहिए, अगर ये ऑपरेशन नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकता है और इस ऑपरेशन से क्या फ़ायदे हैं, यही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी के वीडियो के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी का मतलब क्या है। आप सभी जानते हैं कि अपेंडिक्स का जो दर्द होता है एक्यूट पेन होता है, यानी एकदम से एक दो दिन में आपको अत्यधिक दर्द होता है, और अगर आप दवाइयाँ लेते हैं या इमीडिएट आपने एंटीबायोटिक्स ले ली या कोई कंसल्टेंट को दिखाए, दवाइयाँ चालू कर दी, आपका पेन इतना नहीं है कि ऑपरेशन का आपको सलाह दिया जाए, तो आपका दर्द कम भी होता है। फिर आपको 2-3 महीने, 4-5 महीने या कभी कभी तो 1-1 साल भी दर्द नहीं उठता है, लेकिन आपको दूसरी बार दर्द उठने के चांसेस रहते ही है। तो ये जो दो एपिसोड हो गए हैं, यानी अपेंडिक्स तो हमेशा कभी ना कभी आने के चांसेस रहते हैं, यानी दूसरा एपिसोड तीसरा एपिसोड होने के चांसेस रहते ही है, ये आप सभी को पता है। ये दो एपिसोड के बीच की जो जगह है, बीच का जो पीरियड है, उसमें जो ऑपरेशन किया जाता है उसको कहते हैं इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी, यानी दो एपिसोड के बीच का इंटरवल, उसमें ऑपरेट करने को हम कहते हैं इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी। अब आप कहेंगे कि तब दर्द नहीं होता तब भी ऑपरेशन क्यों करें, तब भी ऑपरेशन किया जाता है और इसलिए उसको एडवाइस किया जाता है इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी। दर्द के साथ तो जो ऑपरेशन होता है उसको इमरजेंसी अपेंडिसेक्टॉमी कहते हैं हम, लेकिन आपको बिना दर्द के भी, यानी दो एपिसोड के बीच में जब आपको आना होता है, इलेक्टिवली आना होता है, पूरी तैयारी से आना होता है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको ऑपरेशन करना रहता है, आपको ऑपरेशन करने की सलाह दी जाती है, उसी को हम कहते हैं इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी। तो मुझे लगता है आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ गया कि इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी क्या चीज़ है। अब हम देखेंगे कि इस सर्जरी का टाइम पीरियड क्या है, यानी पहला एपिसोड होने के बाद कब इसे करना चाहिए। तो जनरली ये 6th वीक में करते हैं, यानी 6 हफ्ते के बाद, यानी आपको आज दर्द उठा, आपका दर्द कम हो गया दवाई से कम होने के बाद, कम से कम आपको 6 हफ्ते रुकना चाहिए। 6 हफ्ते के बाद आप कभी भी आके ये ऑपरेशन कर सकते हैं। 6 हफ्ते का पीरियड क्यों लिया गया है, इस 6 हफ्ते में अगर आपके पेट में जो अपेंडिक्स की सूजन आ गई, कुछ अतड़िया उसको चिपक गई, तो वो रिलीज़ हो जाती है। अगर आपके पेट में अपेंडिक्स के इन्फेक्शन की वजह से लंप बन गया, यानी अतड़िया पूरी चिपक गई, ओमेंटम आके चिपक गया, ऐसे गोला बन गया, तो ये भी सेपरेट हो जाता है। और एक सेफ पीरियड है, क्योंकि 6 हफ्ते में काफ़ी एडेजन्स हो गए, काफ़ी इडिमा हो गया, वो सब कुछ निकल जाता है, इसलिए इसको एडवाइस 6 हफ्ते के बाद किया जाता है। इसके कारण क्या रहते हैं, इसमें कुछ कारण रह सकते हैं, कभी कभी डॉक्टर आपको खुद ही मना कर देता है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो गया और उसके एग्जामिनेशन में ऐसा पाया गया कि उसके पेट में ऐसे एक लंप बना हुआ है, लंप यानी एक गोला, उसके पेट को जब हम हाथ लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि उसको एक गोला बना हुआ है, जब ऐसे गोला हाथ को लगता है या फिर सीटी स्कैन की रिपोर्ट करते हैं उसमें समझ में आता है कि राइट इलेक फोसा लंप, ऐसा रिपोर्ट दिया जाता है। इस केस में अगर ऑपरेशन के लिए पेशेंट को लिया जाए तो अपेंडिक्स इतना अतड़ियों को चिपका रहता है कि उसको सेपरेट कर पाना मुश्किल हो जाता है, इसमें अतड़ियाँ फटने का डर रहता है, छोटी अतड़ी बड़ी अतड़ी ये फटने का डर रहता है, क्योंकि अपेंडिक्स तो एक सिंपल ऑपरेशन माना जाता है, लेकिन अगर अतड़ी फट गया तो ये एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा, तो वो अवॉइड करने के लिए इसे एडवाइस किया जाता है कि आप 6 हफ्ते के बाद आइए, तब तक दवाई से आपका दर्द कम हो जाए, इन्फेक्शन कम हो जाए, ये केयर लिया जाता है। इसमें भी कुछ मतलब प्रॉब्लम हो सकता है कि अपेंडिक्स का दर्द कम ही ना हो, अपेंडिक्स बढ़ता ही जाए या ये परफोरेट हो जाए या पस बन जाए, तो फिर इमरजेंसी में ऑपरेशन के लिए लिया जा सकता है,
लेकिन एज पॉसिबल अगर अबडामिन में लंप बना हुआ है, सीटी स्कैन की रिपोर्ट है कि लंप बना हुआ है, गोला बना हुआ है, तो इसे टाल दिया जाता है और एडवाइस किया जाता है कि आप 6 हफ्ते के बाद आइए और 6 हफ्ते के बाद आपका ऑपरेशन करने का सोच लेते हैं। तो 6 हफ्ते का पीरियड एक मिनिमम पीरियड है, उसके बाद मतलब आपको एग्जैक्टली 6 हफ्ते के बाद ही नहीं आना है, तो आप 6 हफ्ता, 8 हफ्ता या जब तक आप मन चाहे पीरियड पे अपने अकॉर्डिंगली आ सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे पेनफुल अटैक का इंतज़ार करें। अगर दूसरा पेनफुल अटैक आए तो हो सकता है वो काफ़ी सीवियर हो, यानी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो, आपको एकदम तुरंत में ऑपरेशन को लिया जाए, आपको सोचने का भी समय न मिले। तो ये सब अपेंडिक्स के लिए, इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी के लिए किया जाता है। इसको हम अपेंडिसेक्टॉमी भी कहते हैं और जनरल लैंग्वेज में अपेंडेक्टॉमी भी हम कहते हैं। तो इसमें इंडिकेशन क्या है, कब कब हम इसे एडवाइस करते हैं? तो ये जब लंप फॉर्मेशन होता है, जो आपको मैंने अभी पहले ही बताया, एक नॉन अफोर्डेबिलिटी भी फैक्टर हो सकता है कि पेशेंट इमरजेंसी में भर्ती हो गया और अभी उसके पास पैसे नहीं है, कोई पहचान का नहीं है, या किसी और सिटी में रहता है, कोई उसको हेल्प करने वाला नहीं है, उसको अपने गांव जाके ऑपरेट करना है, गांव इमिजिएटली जाना पॉसिबल नहीं है, ऐसे केस में भी उसको एडवाइस किया जा सकता है कि आप 6 हफ्ते के बाद ऑपरेशन करें और अपने गांव जाके अपने रिलेटिव के सामने ऑपरेशन करें, ये भी एडवाइस किया जा सकता है। पेन कम्प्लीटली रिजॉल्व्ड, ऐसे भी कई पेशेंट रहते हैं कि जिनका पेन सब बंद हो जाता है, एकदम ख़त्म हो जाता है 2 दिन में, वो फिर रिलक्टेंट रहते हैं, यानी वो करना नहीं चाहते ऑपरेशन। तो ऐसे केसेस को भी हम एडवाइस कर देते हैं कि आप 6 वीक के बाद आइए, अगर आपकी इच्छा रही तो हम ऑपरेशन करेंगे। कम से कम एडवाइस तो हम करते ही हैं, ऑपरेशन करें ना करें ये पूरी तरह पेशेंट की मर्जी होती है। नो सर्जिकल फैसिलिटी भी एक कारण रह सकता है, यानी जहाँ पे आप भर्ती हो गए अपेंडिक्स के लिए, वहाँ पे कोई सर्जिकल फैसिलिटी नहीं है कि आपका ऑपरेशन तुरंत में किया जाए, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका ऑपरेशन टाल दिया जाए और आपको कहा दिया जाए कि आप 6 हफ्ते के बाद आइए। अब आप सोचेंगे कि 6 हफ्ते के बाद एडवाइस तो किया, लेकिन आपने सही में ये करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? ये एक्चुअली करना चाहिए, मेरा तो ओपिनियन यही है कि आपने इस बात को सुनना चाहिए। अगर डॉक्टर कहता है कि आप 6 वीक के बाद आइए, आपका एक एपिसोड अपेंडिक्स का हो चुका है, तो आपने ये करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सेकंड एपिसोड जब आएगा तो वो कुछ कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकता है, ये नहीं वो ज़्यादा पेनफुल, ज़्यादा सीवियर हो सकता है, कहने का मतलब उसके साथ आपको पेट में पस बन सकता है, कभी कभी वो रप्चर भी हो सकता है, परफोरेशन भी हो सकता है, या दूसरा भी कारण है कि ये कब होगा उसका टाइम आपको पता नहीं, हो सकता है आपकी एग्ज़ाम हो, या हो सकता है आपका ट्रैवल प्लान हो, आपकी टिकट पहले से बुक हो, या हो सकता है कि आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो, शादी हो, कॉन्फ्रेंस हो, उस समय में अगर ये होता है तो आपका पूरा प्रोग्राम चौपट हो सकता है, और इसलिए ये आपने करना ही चाहिए। या फिर अगर आप अकेले रहते हो, आप जॉब के सिलसिले में अकेले हो, आप अब्रॉड हो, या आप अब्रॉड पढ़ने को गए हो, या जो भी है, तो आपके साथ कोई नहीं है, आपका ऑपरेशन करना है, तो ऐसे में आपको समय मिलता है इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी का, जो आप इलेक्टिवली आप चॉइस कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से अपने जगह जा सकते हैं, अपने गांव जा सकते हैं, अपने मनपसंद हॉस्पिटल जा सकते हैं और ऑपरेशन करवा सकते हैं। इसीलिए इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी का अगर ऑपरेशन का आपको सजेशन मिलता है तो आपने इसका ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए, ना कि अगले पेनफुल एपिसोड का इंतज़ार करना चाहिए। मेरा तो यही आपको सजेशन रहेगा, मेरा क्लियर ओपिनियन यही है कि आपने करना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना फिर आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो आज का वीडियो इसी के बारे में था कि इंटरवल अपेंडिसेक्टॉमी क्या है और आपने क्यों करना चाहिए, इसी के लिए ये आज का वीडियो बनाया था। एक छोटा वीडियो है, लेकिन इसके लिए आपको जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।